आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लॉग जो कि होने वाला है रिपब्लिक डे के ऊपर। आई नो कि बहुत लोग दिल्ली से होंगे, उन्होंने ऑलरेडी दिल्ली की रिपब्लिक डे परेड का आनंद उठा रखा होगा, बट मेरी लाइफ का ये फर्स्ट डे है। तो मैंने सोचा आप लोग जो भी मुझे पता है एंड जो भी चीज़ें मुझे ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, और मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जर्नी को आगे करते हैं, फिर अपडेट्स मैं आपको इसके साथ दिखाऊँगी। और ये है मेरी छोटी सी बेटी, जो कि ठंड बहुत है और हमने इसे ऐसे भालू बना दी है, बट लुकिंग सो क्यूट ना। तो अभी ये बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में है गाइस। तो चलिए हम आगे आपको लेके चलते हैं, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारका सेक्टर 13 एंड अभी हम लोग एक्चुअली में जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 8 पास लेने के लिए, वो भी VIP। एक्चुअली हमारे पास पास है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि अगर VIP पास मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है भाई, अच्छी बात है। हमें आगे को मतलब आगे बैठ के हमें पूरा परेड देखने को मिलेगा एंड लिटरली आई एम सो एक्साइटेड। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे उद्योग भवन से एग्जिट कर चुके हैं एंड यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो उद्योग भवन है। एंड उसके बाद यहाँ का वेदर यार कुछ ऐसा लग रहा है, और सीरियसली बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा वाली ठंड है यहाँ पे। एंड आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, अभी से हालत ख़राब हो रही है ठंड की वजह से गाइज। वैसे तो इंडिया गेट जाने के लिए उद्योग भवन नियरेस्ट है, बट हमारे गेट तक जाने के लिए हमें सेंटर सेक्रेटरीट उतरना चाहिए था। एंड फाइनली हम लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि हमारा गेट है यहाँ पे VN। बट यार ये देख के तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये VIP पर्सनों की एंट्री है यार, इतनी लंबी लाइन। और जब से हम लोग इतना चल रहे कि मैं आपको बता नहीं सकती, हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है। ठंड से हमें गर्मी लग रही है एक्चुअली में, सच बताऊँ तो। बट ये देखो यहाँ की भीड़, और अभी हमको यहाँ से कम 10 से 15 मीटर और चलना है लाइन के साथ। ये मेरी हालत है क्योंकि मैं ज़्यादा चलती नहीं हूँ, मैं यहाँ बहुत थक गई थी, थक गया बहुत ज़्यादा। इतना तो सो गई है तो। गीता का उपहार भी हमने ही भारत। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ मौर्य देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि साम्राज्यों का उदय एवं पतन के लिए। और आज इतनी भीड़ है तो बाबू की अगुवाई में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी हासिल। लौह पुरुष ने एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया तो दूसरी ओर डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार किया। इंडिया गेट में बहुत ही 2011 महीने 18 दिन का लंबा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। मैंने इसको सी एच पे मैंने आप लोगों को दिखाया, सोचो यहां से कितना दूर है। 1950 को ये संविधान लागू हुआ, PM का भारत संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नजर डालते हैं नए उदीमान भारत की गत वर्ष की उपलब्धियों पर। वहाँ से उनको दिखाया जाता है। और ये है हम ट्रॉफी के साथ अनिका, हाय करो, हाय हाय करो, आग मार दो। ये किसी ने तो किसी ने तो The Defence Services witnessed a major transformation under the sagacious leadership of Raksha Mantri Rajnath Singh to achieve Atmanirbharta. अबे पीछे भी किसी ने हाई किया था, बट मैंने घर आके वो नोटिस किया। Edition of Great Indian Tourism Bazaar, Bharat and the Tourism Ministerial meetings at different venues in the country. Ministry of Tourism also bagged golden and silver stars in the category TV cinema commercials international and माननीय प्रधानमंत्री यहाँ गाइस। यहाँ पे सारी चीजें अच्छी थी, मतलब सारी सिक्योरिटी टाइट थी, बट एक ही चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे लोगों को पानी भी ले जाने नहीं दिया, जो कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा क्योंकि बहुत छोटे बच्चे भी आए हुए थे एंड दूध पानी तो उनकी नॉर्मल नीड्स होती है गाइस। और अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ पे हमारे देश के लिए शहीद हुए जवानों को सबसे पहले श्रद्धांजलि यहाँ पे देंगे। इसी के साथ उन्हें हम भी यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे, जिसके लिए यहाँ पे सभी पूरी पब्लिक जो भी यहाँ पे एकत्रित हुई है वो सारे के सारे लोग खड़े हैं। यहाँ पे बोलना मना था इसलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर की है। यहाँ पे अब सभी लोग 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। रक्षा मंत्री इसके बाद यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं अपनी जगह ग्रहण करने के लिए यहाँ से जा चुके हैं एंड
यू नो वॉट गाइस, आप इसमें से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे प्रधानमंत्री कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। कई जगह जी ऐसा मैं है कि वो हमेशा शिफ्ट करती रहती है उनकी सेटिंग, कभी ये गाड़ी कभी वो, ताकि हमारे दुश्मन को पता ना चल सके कि हमारे प्रधानमंत्री गाड़ी से जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं। और इसी माटी को हम हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से राष्ट्रपति महोदया को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय थल सेना की मेजर सौम्या शुक्ला राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। एंड यहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी आ चुकी हैं। एक्चुअली मैं उनकी क्लिप शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चला था इस टाइम पे, क्योंकि शो नहीं हुआ था टीवी पे, सो बस मैंने सुना था। एंड उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाली चीज़, यहाँ पे जो फ्लैग्स थे उसमें से फ्लावर्स गिरे थे। बहुत दूर था इस वजह से वो शूट नहीं हो पाया, क्लियर आ नहीं पाया, बट हमारे नज़दीक आते आते कुछ इस तरीके का दिख रहा था। आई होप आप लोग को ये देख के बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। Lebanon, the regiment is part of the Scorpion program of the French Army Land Forces, equipped with multi-role armor. ये हमारे देश के ऐसे दो ही होता है जिन्हें परमवीर चक्र जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हमारे देश में। एंड उसके बाद यहाँ पे बारी आई हमारे अशोक चक्र की। ये ऐसे योद्धा थे जिन्हें अशोक चक्र जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उसके बाद यहाँ पे शुरू हुआ परेड का असली सिलसिला। यार देखो लोगों को परेड करते हुए देखना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि उनका समझ आता है कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट मैं यहाँ पे शौक थी ऐसे परेड को देख के, मतलब सामने से देखना इस चीज़ को और चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। टीवी पे देखते थे बचपन से देखते थे, बट वो अलग चीज़ होती थी। यहाँ पे तो घोड़े भी मतलब ऐसे एक साथ चल रहे जैसे कि वो इंसान ही है भाई। उसके बाद यहाँ पे टाइम जो यूज़ होते हैं हमारे भारत में उस चीज़ की रैली निकली। इसे एक भीष्मा का नाम से जाना जाता है जैसा कि उसमें लिखा हुआ था। मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का नेतृत्व 1890 रॉकेट रेजिमेंट के कैप्टन देवन द्रविड सी द्वारा पूरी तरह ब्रिजिंग प्रणाली। ये देखिए देवी और सज्जनों, सलामी मंच से गुजरता हुआ 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट का। ये अंतराल को पाटने के लिए किया जाता है, इसमें सिंगल स्पैन में कम से कम के लिए है, इसका कोई मुकाबला नहीं। सारी चीजों को कैप्चर करते करते ये वीडियो लॉन्ग होनी ही थी, तो मैंने इस वीडियो के दो पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें एक में आपको सारे व्हीकल्स वेपन्स से आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, एंड जो दूसरा पार्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्चिंग और रैलीज के बारे में बताया जाएगा। तो आप इसे जरूर कंटिन्यू करना सेकेंड पार्ट में। Band of Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment Center. One signal training center. Navy.